दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताए हैं कि आप अपने सस्ते से सस्ते फोन से DSLR की तरफ फोटो कैसे क्लिक करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, आप मेरे पास देख सकते हैं कि वीवो का यह बिल्कुल ही सस्ता फोन है। जी हाँ फ्रेंड, यह बिल्कुल ही सस्ता फोन है और मैं इसी फोन से आप लोगों के सामने DSLR की तरह बिल्कुल ही फोटो को क्लिक कर दिखाऊंगा। जी हाँ फ्रेंड, आप देखिए, मैं इसके कैमरे को पहले ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं इसका कैमरा ओपन करता हूं तो देख सकते हैं कि बैक कैमरा ओपन हो गया है। और जब मैं यहां पर इसके सामने ये देखिए रखता हूं कोई फोटो, तो देख सकते हैं कि कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, उतना कोई बढ़िया फोटो इसके अंदर से नहीं आपको दिखाई दे रहा है और ना ही बैकग्राउंड देखिए ब्लर हो रहा है। लेकिन आज मैं आप लोगों को इसी कैमरे से आप लोगों को DSLR की तरफ फोटो क्लिक कर दिखाऊंगा। जी हाँ फ्रेंड, मैं बहुत ही ढूंढने के बाद में आप लोगों के लिए एक ऐसा एप्लीकेशन लेकर आया हूँ कि जिस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने सस्ते से सस्ते फोन से DSLR की तरफ फोटो क्लिक कर पाएंगे। दोस्तों, आप यदि अपने सस्ते फोन से DSLR की तरफ फोटो क्लिक कर अपने दोस्तों को चौंकाना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आप जरूर शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ से लाइक करना है, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब भी कर लेना है, और साथ ही साथ यहाँ पे घंटी का बटन है, इस घंटी का बटन पर दबा के आपको ऑल के ऊपर में क्लिक कर देना है ताकि हम जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, यह सारा काम करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। एप्लीकेशन का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। सबसे पहले आप यह देखिए कि किस तरीके से आप अपने सस्ते से सस्ते फोन से DSLR की तरफ फोटो क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड, क्या करना है कि आपको सबसे पहले उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ओपन करना है। जैसे एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो फ्रेंड आपको जीमेल आईडी से वेरीफाई होने के लिए कहेगा, तो सिंपली आपको जीमेल आईडी पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड देख सकते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन है कुछ इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। यहां से फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा भी आप कर सकते हैं, इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से अपनी फ़ोटो क्लिक कर लेना है। तो मैं अपना फ्रंट कैमरे से अपनी एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं अपने यहाँ फ्रंट कैमरा लगा देता हूँ, फ़ोटो निकाल लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने अपनी फ़ोटो को क्लिक कर लिया है। ये देखिए, मैंने अपनी फ़ोटो को क्लिक कर दिया है। तो जब मैंने अपनी फ़ोटो को क्लिक कर दिया है तो देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का हमारा जो फ़ोटो है दिखाई दे रहा है। अब देखिए कि पीछे का जो बैकग्राउंड है कैसे ब्लर होता है। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कुछ ब्लर हो गया। अब यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो पूरा ही बैकग्राउंड ब्लर हो गया है। यह तो दोस्तों बैकग्राउंड ब्लर हो गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ थीम्स का ऑप्शन है। मैं आवाज़ को कम कर देता हूँ। देख सकते हैं कि आप यदि बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके का बैकग्राउंड भी आप बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हमारी फ़ोटो में इस तरीके की बैकग्राउंड ऑटोमेटिक क्लिक होते जा रही है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इफेक्ट यदि आप लगाना चाहते हैं तो इस प्रकार का इफेक्ट लगा सकते हैं। ब्यूटी पर क्लिक कर आप यदि ब्यूटी सिलेक्ट करते हैं तो ब्यूटी पर भी क्लिक करके लगा सकते हैं। कस्टम कर जैसे कस्टम पर क्लिक करेंगे तो पूरा बैकग्राउंड ही रिमूव हो जाएगा और यहाँ से अपने हिसाब से अपना बैकग्राउंड रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हेयर का ऑप्शन है। हेयर पर जब आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि आप यदि अपने बालों को कलर करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन द्वारा अपने बालों को कलर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ट्राई नाउ पर क्लिक करना होगा और आपको एक एप्लीकेशन को और इंस्टॉल करने के लिए कहेगा। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में आप अपने बालों को भी चेंज कर सकते हैं। और सबसे अच्छा बात यह है दोस्तों कि जैसे देखिए आप फोटो क्लिक करेंगे और ब्लर पर क्लिक करेंगे, देखिए अभी मेरा फोटो कुछ इस प्रकार का है, लेकिन मैं यदि इसको ब्लर करना चाहूँ तो देख सकते हैं कि पूरी पीछे की जो बैकग्राउंड है ब्लर हो गई है। जैसे लग रहा है कि यह फोटो बिल्कुल ही DSLR कैमरे से क्लिक किया गया है, बैकग्राउंड ऑटोमेटिक ब्लर कर दिया है इस एप्लीकेशन ने। तो दोस्तों, यदि आपके फ़ोन का जो कैमरा है यदि बहुत ही अच्छा है तो आपका जो फ़ोटो है इससे भी बढ़िया आप लोगों का जो है बैकग्राउंड क्लीन दिखाएगा। मैं एप्लीकेशन से आप यदि चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से DSLR की तरफ फ़ोटो बना सकते हैं। तो कौन सा एप्लीकेशन है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन का नाम है FAWVY। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।